तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए यहां पर ये पार्थिव देह पहुंच चुकी है। जी न्यूज संवाददाता अश्विन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विन बताइए, इस समय वहां पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और ये पार्थिव देह भी वहां पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रामदास आठवले जो है पहुंचे हैं। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तमाम जो है लोग पहुंचे। मैं बात करने की कोशिश करता हूं। रामदास जी एक लाइन। अच्छा ठीक है, एक लाइन में बात करके जाए। आप कोई ऐसी कोई याद जो आप बताना चाहें। अच्छा ठीक है, चलिए रामदास जी जो है इस वक्त अंदर जा रहे हैं और जो है आप देखिए जो सलामी दिए जाने का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। प्रार्थना चल रही है। प्रार्थना के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर जो बाहर लाया जाएगा जहां पर सलामी दी जाएगी और फिर उनका जो अंतिम संस्कार है उसको अंजाम दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी जो है अंतिम दर्शन जो लोग NCPA नहीं पहुंच पाए थे, अश्विन ये जो लोग पारसी रीति रिवाज से ये अंतिम संस्कार होगा। जी बिल्कुल, पार्थिव रीति रिवाज से ही अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा और जो विद्युत अग्निदाह है उसमें जो है अंतिम संस्कार को अंजाम दिया जाएगा। और थोड़ी देर में जो अभी प्रार्थना चल रही है, थोड़ी देर में प्रार्थना जब पूरा हो जाएगा पार्थिव रीति रिवाज से, उस प्रार्थना के बाद यहाँ पर सलामी दी जाएगी। सलामी दिए जाने के बाद आप देखिए गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो प्लाटून है वो बाहर खड़ा हुआ है। प्रार्थना के बाद जो पारसी रीति रिवाज है उसके तहत प्रार्थना हो रही है। प्रार्थना के बाद बाहर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और फिर सलामी दी जाएगी। इसके बाद विद्युत अग्नि दाह जो मशीन है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। नाम भी कमाया और नैतिकता भी रखी, और जितने भी लोग जितने भी मेहमान इस समय जी न्यूज से जुड़ रहे हैं वो अपनी अपनी यादें साझा कर रहे हैं और सबका एक सुर में यही कहना है कि इस तरह के इंसान बड़े कम जन्म लेते हैं जिन्होंने मानव सेवा में अपनी पूरी उम्र लगा दी हो। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लेकिन हमेशा पांव जमीन पर रहे, हम्बल रहे, सहज रहे। नैनो कार हिंदुस्तान में लाकर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने एक ऐसी क्रांति लाने की कोशिश करी कि हर घर में कार का सपना साकार हो सके। तो ऐसे थे रतन टाटा, और पद्म विभूषण रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, और पहले श्रद्धांजलि दी थी और अब यहां पर पारसी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। विद्युत शवगृह में ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। और ये जीवन का सच है, लेकिन एक सफल जीवन जीने के बाद आप कह सकते हैं कि इतने लोगों को आज उदास छोड़कर इतने लोगों की आंखें नम हैं, तो ऐसी थी ये शख्सियत रतन टाटा की। और कहा भी जाता है कि आपके जीते जी लोग खड़े होते हैं, लेकिन अगर आपके मरने के बाद ये भीड़ खड़ी होती है, लोगों की संख्या बड़ी होती है, तो फिर आपने जीवन में कुछ बड़ा किया है, कुछ नाम कमाया है। और ऐसे ही थे रतन टाटा। अश्विन का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। अश्विन, मुझे लगता है कि अब ये जितनी भी आप बता रहे हैं कि प्रार्थना हो रही है, लगभग अब वो घड़ी आ गई है जब पंचतत्व में विलीन होगा ये पार्थिव शरीर। जी बिल्कुल, देखिए प्रार्थना भी चल रही है और तमाम ऐसे बड़े डिग्निटरीज जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, राजनीति जगत से हों, उद्योग जगत से हों, लगातार लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर देखिए एक और उद्योगपति जो है पहुँचे हैं, जो अंदर जाएंगे वहाँ पे उन्हें जो है अंतिम उनका दर्शन करेंगे, प्रार्थना में शामिल होंगे। इसके बाद जो है यहाँ से पार्थिव शरीर जहाँ पे प्रार्थना चल रही है वहाँ से पार्थिव शरीर बाहर लाया जाएगा और फिर अजय पिरामल हैं ये जो उद्योगपति हैं और इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं अंतिम दर्शन लेने के लिए। इसके बाद पार्थिव शरीर जैसा मैंने बताया कि बाहर लाया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए यहाँ पर पहले से ही जो एक प्लाटून है वो तैयार है और यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद गन फायर किया जाएगा, सलामी दी जाएगी और फिर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, और अश्विन जी न्यूज संवाददाता हमें बता रहे हैं कि इस समय वहाँ पर प्रार्थना चल रही है और अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन होंगे रतन टाटा का जो पार्थिव देह है। और ये देखिए बैठे हुए भी, ये उस समय की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, सब वहाँ पर मौजूद हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं,
सब अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर ये तमाम दिग्गज लोग पहुँचे हैं। और क्या उद्योगपति और क्या फिल्म जगत, क्या आम लोग, सभी आज नम आँखों से अपने इस हीरो को विदा कर रहे हैं। और अलविदा भारत रत्न, इस समय हम आपको ये खास पेशकश भी दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें, नम आँखों से नमन किया जा रहा है आज रतन टाटा को। और कल रात से जब से ये खबर आई, सोशल मीडिया पर रतन टाटा की पोस्ट को लेकर बाढ़ आ गई एकदम। हर व्यक्ति आम और खास अपने अपने इमोशंस को व्यक्त करने लगा। इस तरीके का प्यार, इस तरीके का नाम इस शख्स ने कमाया। बहुत उद्योगपति होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन इस तरीके का हम्बल बिहेवियर, इस तरह ज़मीन से जुड़े रहना, ये शायद ऐसा व्यवहार कम लोगों का होता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ तस्वीरें भी पहले दिखाई थी कि उनका जो पैट डॉग है गोवा, वो भी पहुंचा था आज जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, क्योंकि वो अटूट हिस्सा था रतन टाटा की ज़िंदगी का और वो बहुत नज़दीकी था उनके। रतन टाटा ने पैट डॉग्स के लिए ही और जो सड़क पर जो डॉग्स होते हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल भी मुंबई में खोला है। तो कुल मिलाकर अगर इस शख्सियत की बात की जाए तो जिसे कहा जाता है कि ऐसे विरले कम ही पैदा होते हैं, और ऐसे ही थे भारत का ये रतन टाटा। अश्विन, मैं चाहूँगी कि कुछ और तस्वीरें आप मुझे बयान करें वहाँ से। जी देखिए, बिजनेस जगत के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े, वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप ये देख पा रहे हैं कि ये इस वक्त इकबाल सिंह चहल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो पहुंचे हैं। तमाम उद्योगपति लगातार जो एनसीपीए नहीं पहुंच पाए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। राजनेता जो है लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। मिलिंद देवरा पहुँचे हैं अभी, उनके साथ श्रीकांत शिंदे जो सांसद हैं और एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं वो पहुँचे हैं। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। एक उद्योगपति के साथ साथ उन्होंने जो लोगों के साथ जो कनेक्ट रखा, जो देश के प्रति उनकी भावनाएं थी, उस वजह से ही लोगों के साथ उनका एक बेहद जुड़ाव था। आम आदमी से भी अगर आप पूछेंगे तो बहुत सम्मानपूर्वक रतन टाटा का नाम लोग लेते हैं। आज तो लोग डिमांड कर ही रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, लेकिन इसके पहले भी इस तरह की कई बार जो है बात उठी कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आज फिर से एक बार राजनीतिक हलके से भी इस तरह का जो है मुद्दा उठा कि बाकायदा प्रधानमंत्री को आज जो है लेटर लिखा गया है कई लोगों द्वारा कि जो है रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वैसे तो वो भारत के ही रत्न हैं, जिस तरह से उन्होंने देश दुनिया में भारत का नाम ऊँचा किया, भारत के उद्योग जगत का नाम ऊंचा किया, तो भारत रत्न दिया जाना एक सम्मान है। एक हम कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार की तरफ से दिया जाना वाला सम्मान है, लेकिन वो अपने आप में ही भारत के रत्न हैं। जी बिल्कुल। और रतन टाटा का विजन प्रेरणादायक था। सुंदर पिचाई गूगल के CEO, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लिखी। और अब सुनवा देते हैं कि कुमार मंगलम बिरला का क्या कहना है रतन टाटा को लेकर, किस तरह याद कर रहे हैं वो। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम कई बार मिलते थे सालों पहले और हमें बहुत ज़्यादा सोबर थे, फ्रूगल थे और देश के हित में सोचते थे। गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स, उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को, और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। Z News.